Welcome to the show, Insights with Mariam Aftab. और आज का जो टॉपिक है वो निहायत इंटरेस्टिंग है, सिक्स सेंस यानी हमारी छठी सेंस। वैसे नॉर्मली फाइव सेंसेस हर हेल्दी बंदा जब पैदा होता है तो कहते हैं कि इसकी फाइव सेंसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिक्स सेंस की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें हमें समझ नहीं आती कि इसको डिस्क्राइब कैसे करें। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगी कि सिक्स सेंस क्या होती है और कैसे डेवलप होती है। पहली एक सेंस होती है फील। तो हम कई दफा फील करते हैं कि यार माइंड में आता है, टेलीपैथी होती है, किसी का सोच रहे होते हैं उसका फोन आ जाता है, एंड फिर हम कहते हैं कि आई हैव अ हंच। और तो ये फील की एक चीज डेवलप होती है विच डेवलप इनटू सिक्स सेंस। फिर हो जाती है हेयरिंग की यानी प्रोमिनेशंस। कई दफा होते हैं कि आने वाले वाक्या फ्लैश की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। कभी कभी हम समझते हैं हमारा दिमाग तो खराब हो गया, हमें ये विजन आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, और वो चीज़ सच्ची हो जाती है। तो ये भी हमारी एक्सटेंशन ऑफ सीइंग सिक्स सेंस हुई। और इंटरेस्टिंगली जब हमारी सारी सेंसेस खामोश और रेस्ट पे होती है यानी जब सो रहे होते हैं तब भी हमारी सिक्स सेंस कभी कभी बहुत एक्टिव हो जाती है। कैसे? फील और सीन यानी ड्रीम्स में। और अक्सर हम यू नो सुबह के वक्त के ख्वाब कहते हैं सच्चे होते हैं, कई दफ़ा हम रिपीटेड ड्रीम्स देते हैं। बल्कि पिछली दफ़ा के शो में हमारी विनर कौन थी, हमारी विनर जिन्होंने बहुत अच्छा गेस किया था कि हमारे ड्रीम में क्या जवाब आया था, नौशीन जीशान। ड्रीम हमारी ये थी कि एक लड़की को रिपीटेड ड्रीम्स आती थी, यानी कि उसकी सिक्स सेंस उसको ड्रीम में बताती थी कि वो डांसर थी, और डांसिंग में वो हमेशा अपने पार्टनर के टोज पे स्टेप करती थी और फिर वो घबरा के उठ जाती थी। नाउ दिस वाज अ ड्रीम ऑफ अ वार्निंग ड्रीम ऑफ अ सिक्स सेंस। एक्चुअली इस ड्रीम का मतलब ये था कि वो जब भी किसी रिलेशनशिप में पड़ती थी तो इनसिक्योर होकर उसको इतना सफोकेट करती थी कि वो रिलेशनशिप टूट जाती थी। आप देखें कि जूते का जो सिंबल होता है वो भी एक रिलेशनशिप का सिंबल होता है। तो स्टेपिंग ऑन टोज का मतलब था कि वो अगले की बाउंड्रीज नहीं समझती थी। अब उसकी सिक्स सेंस उसको बहुत आराम आराम से ये बात समझा रही थी। इसलिए हम जब कभी ऐसी ड्रीम्स होते हैं तो एक हिप्नोसिस में चीज करते हैं, उसको कहते हैं बिकम द ड्रीम। और इसमें वेरियस ऐसी ड्रीम्स हैं जो इंसान को सिक्स सेंस उनको ड्राइव करके बताती है। इसमें उन्होंने मेरी बुक जर्नी ऑफ इंसाइट्स जीती है, आई होप उनको मिल भी गई हो बिकॉज भी उन्हें कोरियर कर दी थी। और एक फ्रेंच वर्ड है डेजा वो, मतलब सीन बिफोर। कई दफा हम बैठे होते हैं, मुझे बल्कि आज ही एक किसी से बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार ये बात तो मैंने की हुई है, ये मोमेंट तो गुजरा हुआ है। और उस वक्त खुद यू नो स्पिरिचुअली एक एहसास होता है कि ये हुआ हुआ है। अब इसकी हार्ड एंड फास्ट साइंटिफिक चीज तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर डेजा वो आप लोगों को कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। अच्छा, एक होती है मीडियमशिप। मीडियम का मतलब होता है कि एक बंदा जो सिक्स सेंस का मीडियम हो। मीडियम बड़े वेरियस तरीके के हो सकते हैं, बल्कि टैरो कार्ड्स भी एक मीडियम ही होता है सिक्स सेंस को डेवलप करने का। वैसे सिक्स सेंस का कलर पर्पल होता है। और एक चीज होती है विच इज कॉल्ड साइकोमेट्री। साइकोमेट्री होती है कि कोई भी मेटल की चीज आपने हाथ में रखी और ये आपकी फील में डेवलप हुई, यानी कि टच, कि कोई कीज हो, कोई रिंग हो या कोई ऐसी चीज हो, आपने टच की, आंखें बंद की और उसकी फील करके बोला। आई रिमेम्बर जब पहली दफा सैन फ्रांसिस्को में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मैंने एक यू नो बॉल में की नहीं थी, उसको उठाया और आंखें बंद करी, मुझे नहीं पता था कि वो किसकी की रही है। और फिर वो जो डिस्क्रिप्शन आती गई मैं बोलती गई, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बोल रही थी वो बिल्कुल एक औरत की लग रही थी। एंड व्हेन आई होल्ड अप द कार यू नो हिज कार कीज, ही वाज अ 6'2" फीट गाय एंड लेटर ही रिवील्ड दैट ही वाज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो आपने कई दफा बाहर देखा होगा साइकिक लाइंस होती हैं, अपने हमको कोई डेट ऑफ बर्थ नंबर नहीं बताना होता, उनको कुछ भी चीज नहीं बतानी होती, तो वो फील में डेवलप करते हैं। जब हम कई दफा कई लोगों को सिक्स सेंस नहीं भी हो रही होती है तो वो कहते हैं हमें सिक्स सेंस हो रही है,
इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सिक्स सेंस किस वक्त सिक्स सेंस है। जैसे फर्ज करें कि हम आर्टिस्ट हैं और हम आर्टिस्ट में एक चीज सीखते हैं, इसी तरह अनलॉक योर साइकिक पावर्स में आपको आपकी सिक्स सेंस, पहले तो आपको जज करना पड़ता है। टैरो कार्ड्स इज अ वेरी गुड मीडियम, हम जज करते हैं कि सिक्स सेंस क्या होती है एंड विद वेरियस एक्सरसाइजेस उसको डेवलप करते हैं। वैसे जो गिफ्टेड चीज होती है वो तो आपको पता है कि अगर एक बच्चा भी हो और आप उसकी टैरो रीडिंग करें तो समझ आ जाती है कि इसकी सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस के लिए यूजुअली एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का होना जरूरी होता है, लेकिन मैंने कई दफा देखा है कि कई लोगों को बजाय पॉजिटिव चीजें आने की उनको नेचुरल डिजास्टर्स पड़ते हैं। जैसे कई दफा एक पेंस्टून थी, वो मुझे बता रही थी कि अगर कोई अर्थक्वेक आना हो या कोई कोई सैलाब आना हो तो उसको फौरन से पता चल जाता है। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट मुझे अगर हम जब कोर्सेस करते हैं तो मेरा दिल होता है कि एक पॉजिटिव डायरेक्टिव एंड ऑफ कोर्स अगर किसी चीज से बचाव हो सकता है तो वो भी हो। इसमें सबसे इंट्यूटिव स्टार जो होता है वो वर्गो स्टार होता है। वर्गो स्टार माय मदर स्टार इज अ वर्गो एंड एज अ चाइल्ड शी यूज्ड टू हैव अ ब्रिलियंट सिक्स सेंस। सो आई थिंक इस दफा वर्गोज जो है, वर्गोज आर वेरी वेरी गुड विद सिक्स सेंस। वो बहुत जल्दी फील करते हैं, उनकी गट फीलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एंड एंड दे यूजुअली वेरी स्पिरिचुअल पीपल आल्सो। जो न्यूमरोलॉजी में नंबर सेवन में यूजुअली दे आर नॉट कैटेगरीज के जी ये नंबर सेवन ही है तो ये इसमें सिक्स सेंस होगी, लेकिन सेवन डेज सेवन स्काई सात दफ़ा आप जब सत्ता भी करते हैं तो वो आप कहते हैं सात दफा राउंड करो एंटी क्लॉक। सो सेवन यूजुअली बर्थ नंबर आर स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी एंड सिक्स सेंस का ताल्लुक हो भी सकता है और कई दफा शैतानियत और सिक्स सेंस का भी ताल्लुक होता है। और ऐसे लोग कभी कभी बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं बिकॉज उनकी गट फीलिंग बहुत ज्यादा तेज होती है। तो इसीलिए अगर पांच सेंसेस का आपको पता है तो प्लीज अपनी सिक्स सेंस भी डेवलप करें और आप सिक्स सेंस डेवलप करके बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। आप सिक्स सेंस से कई लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स का एनालिसिस कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आप जब किसी को मिलते हैं और आपकी सिक्स सेंस गाइड करती है तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। सो लुक इनटू द सिक्स सेंस मैटर, यू विल एंजॉय इट। और व्यूवर्स आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लें। सिक्स सेंस के आगे भी हम बताते रहेंगे बाकी। इरम नईम कहती हैं हाउ कैन, क्या वो सीखना चाह रही हैं कि ये अपने आप को किस तरह कर सकती हैं, हाउ कैन शी लर्न। इरम पहले तो ये है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इरम प्लीज बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डोंट टेल मी द ईयर, जस्ट टेल मी व्हाट योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, आई वांट पॉजिटिव पीपल यूजिंग सिक्स सेंस, इनका क्वेश्चन ये है। ऑफ कोर्स मैंने तो पहले कहा है कि पॉजिटिव, देखिए हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो हमारे जो सेमिनार्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चीजें ऑफ कोर्स सीखी जा सकती है। पहले आपको सिक्स सेंस को देखना पड़ेगा कि फील में है, टच में है, हेयर में। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बता दिया 25th December। ओह माय गॉड, 25th December अगेन। लोग कहते हैं ना इस शो में हमेशा कैप्रिकॉर्न को प्रेज करते हो। यस डॉटर, आफ्टर वर्गो कैप्रिकॉर्न्स 25th, अगेन 25th को अगर आप कंपाउंड नंबर तो क्या बने, तो क्या बनेगा 7। सो आई टोल्ड यू 7 नंबर्स आर एनीवे स्पिरिचुअल, सो आई एम श्योर आप पॉजिटिवली कर सकेगी और मुझे लगता है आपकी फील में ज्यादा होगी, आप फील करके चीजों को ज्यादा सेंस कर सकेंगे। सो इट कैन श्योरली बी डेवलप। इसमें स्टेजेस होती हैं और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और ये भी देखा जाता है कि अगर टैरो कार्ड को मीडियम बनाना है या आपकी फील है तो हमें साइकोमेट्रिक लेना है, तो वो फिर आप जैसे जैसे आगे डेवलप होगा।
इरम नईम कहती हैं कि आई थिंक आई फील कि मुझे ट्रू ड्रीम्स आते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी अगर यू फील ट्रू ड्रीम्स आते हैं तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली ड्रीम्स आते हैं, अगर अगर आपको फ्रीक्वेंटली ड्रीम्स आती हैं, ट्रू ड्रीम्स आती हैं, तो इरम फिर आपका फील और सीइंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है और इट शुड बी डेवलप्ड. आई थिंक दैट ड्रीम्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. It's a sixth sense. Or your premonitions, visions, it's a part of it. Fine. So, develop in something. Ji. Ji. माइक को थोड़ा सा दूर कर ले, वो कह रहे हैं साइंड अ लॉट ऑफ एको साउंड ये आ रही है थोड़ा सा. या जी, और कोई सवाल है व्यूअर्स आप लोगों का? आजकल का आज का हमारा टॉपिक है कि सिक्स सेंस क्या होते हैं, तो उस हवाले से अगर आपने अपने साइकिक एबिलिटीज को सीखना है तो आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आप एक टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं. And tarot में of course this you know आपका ये हर कार्ड का एक मीनिंग होता है, हर कार्ड का एक सीक्वेंस होता है. तो कई दफा आप वो मेथड रीडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपको फील एक चीज की बहुत स्ट्रांगली आ जाती है. Now when I was starting तो मुझे इसकी समझ नहीं आती थी कि फील को करूँ कि टेक्निक का करूँ. But over the years आप जितनी भी किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी फील ज्यादा स्ट्रांग होने शुरू हो जाती है. तो मैंने बल्कि एक दो दफा बाहर साइकिक रीडिंग्स भी की हैं, विच मेंट के आई हैड नो एड ऑफ साइकोमेट्री और टैरो कार्ड्स. इट वाज जस्ट द फील दैट वाज कमिंग आउट. सो एज जैसे जैसे आपका कहते हैं ना, गाने में एक राग सीखते हैं फिर दूसरा राग सीखते हैं, तो इसी तरह इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की डेवलपमेंट होती है. यू मीन टू से इट गेट्स इजीियर विद प्रैक्टिस? एब्सोल्युटली. यू सी, अगर आप एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस करें, तो अब आप पूछेंगे कि सिक्स सेंस की प्रैक्टिस कैसे होती है. अब सिक्स सेंस या तो ट्रू ड्रीम आए उसकी प्रैक्टिस करके किस तरह आ सकती है, उसके लिए सर्टेन टेलीपैथिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारी थर्ड आई को खोलती हैं. तो उससे ये होता है कि फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपकी सिक्स सेंस खुद ब खुद डेवलप होनी शुरू हो जाती है. Because obviously you can't, आप जबरदस्ती तो नहीं माइंड को कह सकते मुझे ट्रू ड्रीम आनी है, यानी कि मैंने टेलीपैथिक फील करना है. ये तो होता है और होता है. उसको सीखने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, which are primarily जो हम अपने कोर्सेज में सिखाते हैं. Okay. How do I, Shams Ahmed पूछ रहे हैं, how do I know how strong my sixth sense is? देखिए, मैंने शाम सहमत अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम एक टैरो रीडिंग करते हैं या हमें कोई डेट ऑफ बर्थ और मिल जाए तो उसकी रीडिंग में पता चल जाता है कि सिक्स सेंस है, कितनी है, कितनी डेवलप हो सकती है. बल्कि अगर कोई मैं समझूं कि उसमें इतनी नहीं है तो फिर हम उस कोर्स के लिए उसको लेते भी नहीं हैं. जैसे आप उन्होंने आपसे पहले अगालबन नाम एरम था तो उसका बर्थ नंबर से स्लाइट हिंट मिली. अगर आप अपना बर्थ मंथ और डेट दे दें तो हमें क्लू मिल जाएगा. एंड आई कैन प्रॉब्ली गाइड यू नाउ. इरम नईम ने पूछा है कि वो व्हाट अबाउट रिकी, मैं सिक्स सेंस को रिकी के अंदर भी मतलब सीखना चाह रही हूं. तो देखिए, जब आप रिकी करती हैं तो आपके सारे, अगर इन्होंने रिकी की हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो पूछना चाह रही है कि व्हाट अबाउट रिकी. देखिए, रेकी, मैं, मेरी बहन डॉक्टर आलिया अफ्ताब इज मोर ऑफ रेकी मास्टर, बट मैं रेकी में ये बता दूं, चक्रास होते हैं, ये क्राउन चक्र है और थर्ड आई चक्र है, तो ये जरूर एक्टिवेट होता है. एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज प्रैक्टिसेस गैदर डाउन टू एनर्जीज, सो मोस्ट डेफिनेटली देयर इज एन इंटरकनेक्ट कनेक्शन. ओके, हिबा अफजल का सवाल है, कैन यू हेल्प अस लर्न दैट, मतलब सिक्स सेंस का कोई कोर्स करवाते हैं या डिफरेंट कोर्सेज हैं या क्या कोर्स है? कि हम आपको सिक्स सेंस के बारे में जैसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है. मैंने पहले बताया कि सिक्स सेंस एक ऐसी चीज नहीं है कि पेंटिंग की तरह एक टेक्निक है. हाँ, उसको शार्पन करने की मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज है, अगर उनको आप हम सिखाते हैं और फिर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके सिक्स सेंस बन गई है. बल्कि उसमें एक डाउजिंग का कोर्स भी होता है जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी.
एंड जो साइकोमेट्रिक है तो वो तो हम कोर्स में ही कराते हैं सो वी कैन फाइंड आउट कि किसकी क्या क्या एबिलिटीज एंड शम्स अहमद ने अपनी वो की है डेट ऑफ बर्थ बताइए 11 सितंबर 1977 अब 11 सितंबर मैंने तो शुरू ही वर्गो से किया था कि वर्गो के अंदर सिक्स सेंस होती है एंड अगेन कोइंसिडेंस मेरी मदर जो मैंने कोट किया था इज 9/11 व्हिच इज अ लीथल डेट ऑफ बर्थ टू चेंज द होल वर्ल्ड सो आई एम श्योर ये तो वर्गो का तो मैंने पहले ही कहा था कि दे ब्रिलियंट ओके हिबा अफजल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 19 दिसंबर 1986 उनका वो इस कोर्स में या वो सिक्स सेंस में कितना को एनरोल होंगे इसलिए उन्होंने अपने को डेट ऑफ बर्थ बताया इनका कंपाउंड नंबर आता है वन और ये फायर है ये किसी भी चीज को अगर बिल्कुल फोकस होकर सीखना चाहे तो इनके अंदर ग्राउंडिंग भी है और इनके अंदर फायर भी है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वो And age initial Hibba, yes. Hibba, I think aapki zyadatar feel mein aayegi aur touch mein aayegi. Okay, Marwa Sheikh ka bhi isi hawale se sawal hai, 5th of August date of birth. 5th of August, Panchtan Bagh ka number, brilliant. 5th number ke liye aur August mein 6th sense, again fire sign hai, leadership ka sign hai, jo kuch bhi karte hain, ye bahut, ye passion se karte hain. तो फिफ्थ नंबर इज आल्सो वेरी गुड और आई एम श्योर इनकी अच्छा आप देखेंगे कि जितने लोगों ने पूछा है कि अलग अलग डायमेंशन डेवलप होंगी हिबा की जो डायमेंशन डेवलप होगी ये भी अगेन सीन में ज्यादा डेवलप होगी मीनिंग ड्रीम्स और विजन्स और प्रोमिनेशंस एंड डेटा रूल्स ऑफ कोर्स फाइन सो ओके देन उस्मान मिर्जा ने पूछा है 1 सितंबर 1977 तो वो हाउ मतलब उस हवाले से हमारे टॉपिक के हवाले से ये कितना को कोप देखिए इन्होंने बोला 1 सितंबर या तो हमारा प्रोग्राम ही वर्गो से शुरू हुआ है अच्छा फाइन सो अगेन वी हैव अनदर वर्गो एंड अगेन इनकी ज्यादा होगी बिकॉज़ वर्गो अगेन नंबर 1 एंड वर्गो स्टार तो इनकी सिक्स सेंस किस किस चीज में डेवलप हो सकती है इनकी सिक्स सेंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग इनका चीज आई है कि वो इस तरह डेवलप हो सकती है कि फर्स्ट करें ये कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अब देखिए कई लोग जमीनें लेते हैं ठीक है और जमीनें एक मार्केट स्पेकुलेशन होती है यार इधर ले लो यहाँ रिंग रोड निकल रही है यहाँ से फलानी ले रही है मेरे पास एक बंदा है उसकी प्रॉपर्टी में रेंडो बड़ी अच्छी सेंस थी सो उसके फादर ने उसको कुछ थोड़े से पैसे दिए एंड ही बॉट अ लैंड वो मुझे ले जाया एंड इट वाज लाइक अ हॉरिबल लोकेशन आई सेड ओ माय गॉड इसकी द इन्वेस्टमेंट फिर कुछ सालों के बाद वो उसकी फेज 9 में आ गई और मैं जब देखती थी मैं कहती थी बंदे ने इसकी इसने कहां ले ली है वो ऐसे लगा था कि खुदा ने उसको पैसे देने थे उसकी उंगली पकड़ी और कहा यहाँ ले ले और उसने ले ली और इस तरह इनके 1 सितंबर में ये चीजें नॉट एग्जैक्टली कि ये रियल एस्टेट बट फाइनेंशियली अच्छी चीजों को अच्छा सिलेक्ट कर सकते हैं हिबा का सवाल है कि आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑफ टच से सिक्स सेंस के क्या रिलेशन है जब साइकोमेट्री का मतलब है आप इसको गूगल भी कर सकते हैं साइकोमेट्री का मतलब है कि वैसे मेरी रेंज है ठीक है ये मेरी फिंगर को टच की अब हम आपको कोर्स कराएंगे आप ये हाथ में रखोगे आपने हाथ में टच किया और आप साइकिकली जो बोलोगे वो आपकी सिक्स सेंस में डेवलप होगी और वो टू चीजें होंगी इट इज कॉल्ड साइकोमेट्री बिकॉज इट्स द टच तो ये खाली हिबा अपनी रिंग पकड़ के कर सकती है या हिबा को अपने बारे में तो पता है ना उसको सिक्स सेंस की क्या जरूरत है ये तो हम सेमिनार में अननोन लोगों की रखाएंगे या बताएंगे नहीं किसका है मैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने की चेन पकड़ी थी तो फील में हुआ था अब देखिए कई लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि किसी के ये तो मेटल है कई लोग होते हैं कि किसी के कपड़ों को बाहर के साइकिक्स में कोई घूम भी जाए तो कपड़े लाके उनको टच करके बता देते हैं सो दैट्स अ सेंस ऑफ टच होप हिबा आपको आपके सवाल का जवाब सही तरीके से मिल गया होगा जो आपको एक्सप्लेन करना था कि सिक्स सेंस का टच से क्या ताल्लुक है वो आपको पता लग गया होगा
कमर शकील कहते हैं कि उनको बिजनेस और इनकम के बारे में जानना है तो प्लीज आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके नहीं, इसमें हम सिर्फ सक्सेस को कर रहे हैं जी, नॉट डीलिंग विद अदर थिंग्स, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। फाइन, सो आप लोगों का और कोई सवाल है? यस, थैंक यू सो मच मैम हिबा अफजल सेज के आपने एलैबोरेट अच्छा कर दिया। एंड इफ यू वांट टू हियर अबाउट अदर टॉपिक्स ऑफ द ऑकल्ट फील फ्री टू राइट टू अस, और हमें कमेंट कर दीजिए कि हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए हो। जी एंड श्योरली वी विल गिव यू इंफॉर्मेशन। सो गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़।